अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे और आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, आपको लाइफ में नए रास्ते, सही रास्ते दिखाने के लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लेकर आए हैं कैप्टन कूल लेसन फॉर लाइफ। हम यहाँ पर कैप्टन कूल यानी कि मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ से कुछ लेसन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी और ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग जरूर साबित होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बन रही है हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल की और यहाँ पर इनका एक स्पीच देखेंगे, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे बात को। Nice to see you. Your fans look upon you as their hero. So what's a message that you want to give to them? Well, personally, if you ask me, I feel, you know, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. You have to take risk in life. But at the same time, you know, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve. But at the same time, you know, you have to take risk in life. So for me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, you know, irrespective of what your profession is. The hard work, the honesty, respecting the elders, which I feel is the key. You know, if you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, you know, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, you know, try to be, when you enter, let's say, any big building, you know, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. So that's what life is all about. Go through the difficult periods, fight it out. But if you can do it with a smile, you know, that you'll become part of maybe the 5% persons, you know, who can actually do it. Because at times we crib about life. यहाँ पर जो उन्होंने बातें कहीं, स्पीच दी, उसको हम तीन लेसन में समझने वाले हैं। पहला लेसन है टेक रिस्क एंड वर्क हार्ड, दूसरा है ओबे योर पेरेंट्स बट नेवर सेटिस्फाइड, तीसरा है सेपरेट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड बी हैप्पी। अगर ये तीनों लेसन आपने उतार लिए तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जो पहला लेसन है टेक रिस्क एंड वर्क हार्ड, तो आप सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी लाइफ एक रेलवे में जॉब करने शुरू की थी, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी और अपने एम के लिए आगे बढ़ गए। आपको क्या लगता है कि इतना ईजी रहा होगा? क्या उनको डर नहीं लगा होगा? लगा होगा, उनको डर लगा होगा, वो भी हिम्मत करके आगे बढ़े होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और अपने एम के लिए, अपने काम को छोड़ करके अपने प्रोफेशन को अपनी लाइफ बना लें, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसके सिर्फ दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि आप डर रहे हैं, हार्ड वर्क करने से डर रहे हैं और आप ये डरते हैं कि आप फेल ना हो जाए। दूसरा रीज़न ये कि आप कम्फर्ट जोन में जा चुके हैं, आप अब काम नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, लाइफ में सब कुछ तो मिल गया है। बहुत ही अजीब बात है कि आप चाहते हैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह से ज़िंदगी पाना, लाइफ, फेम पाना, लेकिन आप उसकी तरह अगर मेहनत करने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आपने किया है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप उस बड़े एम के लिए इतनी कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप उसको नहीं पा सकते, कभी नहीं। लेकिन जिस दिन आपने कड़ी मेहनत करना सीख ली, कुछ करने को ठान लिया, उस दिन इस संसार की कोई भी ताकत आपको उस एम, उस बड़े एम, उस फेम को पाने से रोक नहीं सकती और आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो अभी आप सिर्फ सपने देखते हैं, सिर्फ सोचते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ओबे योर पेरेंट्स बट नेवर सेटिस्फाइड, यानी कि आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, बट आप सेटिस्फाइड मत होइए। हम सभी जानते हैं कि उनके पेरेंट्स यानी कि जो फादर थे उनके, उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनका लड़का एक गवर्नमेंट जॉब में जाए। इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब की, बट वो वहाँ पर रुके नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुए, कम्फर्ट जोन में नहीं गए और ड्यूटी के बाद भी टाइम निकालते थे, अपने गेम की प्रैक्टिस करते थे, इतनी कड़ी मेहनत करते थे आगे बढ़ने के लिए। आप खुद सोचिए कि उस बंदे के पास गवर्नमेंट जॉब थी, वो चाहता तो अपनी लाइफ आराम से बिता सकता था, उसके पास इतने पैसे तो थे ही कि अपना परिवार पाल सकता था, कुछ भी ना करता तब भी लाइफ चल जाती, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अंदर एक जोश था, जुनून था, कुछ करने की इच्छा थी, मेहनत करने की ताकत थी, वो क्षमता उनको उनकी सोच, उनकी मेहनत से मिली। और अगर आप भी एक आम आदमी, खास आदमी बनना चाहते हैं तो हमारा वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब आप मेहनत करने लगेंगे तब आप कुछ भी कर सकते हैं और आप हर चीज बदल सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे इसमें आपके फायदा नहीं करेंगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। और जो यहाँ पर तीसरा लेसन आता है,
सेपरेट योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ एंड बी हैप्पी, यानी कि आपको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है। एक स्टोरी उनकी लाइफ की, जब वो पाकिस्तान के एक टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या उनको याद नहीं आएगी, तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि याद नहीं आएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी याद मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगी, अपने एम से हटाएगी। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, भले आपको बुरी लगे, बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने रिलेशन और अपने प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना पड़ेगा। मेहनत करिए, अपने एम को बनाइए और खुश रहिए, बी हैप्पी रहिए और हमेशा ठंडे दिमाग सोचिए। इसलिए तो कैप्टन कूल कहलाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मिस्टर विराट कोहली के लाइफ से कुछ सीखना चाहते हैं तो इनका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और इस तरह से आपने लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ से जान लिए हैं, सीख लिए हैं। और अगर आप इन लेसन को अपनी लाइफ में उतार लेंगे, कुछ मेहनत कर लेंगे, तो आप ज़रूर उनकी तरह आगे कुछ ना कुछ कर ही देंगे। और हमारे ऐसे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोज़ को अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिए, आपको कुछ नहीं जाएगा, बट इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, ताकत मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। हमारी वीडियोज़ देखने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।